रकम मांग रहा है बहुत ज्यादा है और हमें ये मंजूर नहीं। और जब दुबई और मॉरिशस के चैन हमें कम दाम में और आसानी से मिल सकते हैं तो इस लुटेरे से क्यों ना छुटकारा पाए, जहां फायदा वहां क्यों नहीं जाए यार। महमूद लगता है चरस पी पी कर तेरा दिमाग फिर गया है, तेरी सोचने समझने की शक्ति जो है ना वो खत्म हो गई है। अब बेवकूफ कर्जराज से नाता तोड़ना इतना आसान नहीं है, और गलती से भी ऐसा हुआ ना तो हमारी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन होगा जिसके लिए हमें हमेशा पछताना पड़ेगा। इस धंधे में मैं तुमसे पहले से हूं, मुझे सब पता है कौन कितने पानी में है, और तू अपनी नसीहत अपने पास रख। महमूद मैं नसीहत नहीं कर रहा हूं, मैं वो बात कर रहा हूं जिसमें हम दोनों का भला है। जब तक हमारा माल एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंच रहा है तब तक तुम्हें गजराज की इंपॉर्टेंस का मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस दिन यही काम गजराज के अलावा कोई दूसरा करेगा जानते हो क्या होगा? क्या होगा? होगा ये कि हमें अपने माल से तो हाथ धोना ही पड़ेगा, इसके साथ साथ सरहद के पार जो खूनी दरिंदे बैठे हैं ना, जब उन तक उनका माल नहीं पहुंचेगा तो वो हम दोनों की बोटियां बोटियां करवाकर अपने पालतू कुत्तों को खिला देंगे। जानता है एक बार जो माल यहां से भेजा जाता है उसकी कीमत कितनी होती है? 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। कोई भी इतना बड़ा नुकसान माफ नहीं करेगा। देख महमूद मेरी बात मान, खतरा मोल मत ले वरना हम दोनों को जान से हाथ धोना पड़ेगा। तेरे बारे में तो खैर मैं नहीं जानता लेकिन मैं भी मरना नहीं चाहता। अबे तू चुप कर, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे सब कुछ तुझे ही पता है और किसी के पास कोई है ही नहीं। हम बिजनेस करते हैं और जहां फायदा होगा वहीं जाएंगे ना, और इस धंधे में गजराज सिंह ही नहीं और भी लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं। तेरे साथ बहस करना फिजूल है क्योंकि तेरी बुद्धि में बात आएगी नहीं जो मैं समझा रहा हूं। मुझे तो इस बात का अफसोस है कि तुझे अपना बिजनेस पार्टनर बनाने से पहले मेरी अकल क्यों नहीं आया कि तू इतना बड़ा बेवकूफ है। मैं सिर्फ बेवकूफ ही नहीं खतरनाक भी हूं, और इससे ज्यादा बोलने की हिम्मत की ना तो इस खोपड़ी के अंदर जो दिमाग है ना वो यहां से निकलकर कीड़े मकोड़ों का गीजा बन जाएगा, समझे? बाबा going to be trouble. I can feel it in my bones. Yes, sir. हमें कुछ गड़बड़ लगती है, तुम सब फौरन कार से उतरकर हमारे पीछे कुछ फासले पर रहो, समझे? सब समझ गया साहब, आप बेफिक्र रहिए। Let's move.
प्रमोद, तुम चाहे जिस किस्म के आदमी हो लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हारे ये कुत्ते बड़े वफादार हैं। लाल चुकंदर मुंह वाले कुत्ते। कजाज, जबान को नराम दो। काला चश्मा और अच्छे कपड़े पहनना तो सीख लिया, धन की बोलचाल भी सीखो, वरना इन कपड़ों के साथ साथ तेरी इज्जत भी जाएगी। हम अपनी इज्जत की हिफाजत करना अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हम अपनी